Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the first lecture of the series that's about current affair for JKP SI region series. जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जेके पी एस आई का, उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ और बाकी एग्ज़ाम्स जैसे कि पटवारी है या VLW है, इसके लिए करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। एक ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर अप टू सितंबर अक्टूबर तक पूरा करंट अफेयर जो है आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज़ में, ठीक है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक अगर आपने WS Academy चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। करंट अफेयर फॉर JKP SI, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस ऑन जून 2022 एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट टू चेंज द नेम ऑफ विच कंट्री। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, उसने एक्सेप्ट किया है रिक्वेस्ट, कंट्री का नाम जो है उसको चेंज करना है, उसकी रिक्वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया। उस कंट्री का नाम आपको बताना है, उस कंट्री का नाम जो है दैट इज़ टर्की। टर्की ने रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशंस को इन ऑर्डर टू चेंज द नेम ऑफ द टर्की कंट्री, और उसका नया नाम जो रखा गया है वो है टर्किये। याद रखना, टर्की ये जो है या टर्की ये जो है ये उसका नया नाम रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट इन विच कंट्री। साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली क्या किया है, डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट किस कंट्री के अंदर। आपको बोलना है वो जापान के ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, उन्होंने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट, जो वाटर के अंदर एक बड़ा सा प्लांट आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया, वो कहाँ पर इनको मिला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच कंट्री हैज़ पास्ड द राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। किस कंट्री ने पहली बार एक बिल को पास किया है और उस बिल को नाम रखा गया है राइट टू रिपेयर बिल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आपको बोलना है USA ने पहली कंट्री वर्ल्ड में जिसने राइट टू रिपेयर बिल को पास किया है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्री, कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्री जो है जिसको इलेक्ट किया गया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किस टर्म के लिए, 2023-24 के लिए, मतलब 2023 साल के लिए, 2024 साल के लिए, दो सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो 2023 और 24 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। इसके लिए आपको कोड एक यूज़ याद रखना है जिसका नाम है MMSJE। वालों ने क्या बनाया, एक अच्छा सा MMS बनाया है यूनाइटेड नेशंस में। M हो गया मोजम्बिक, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड, जापान एंड इक्वाडोर, इनको सिलेक्ट किया गया है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर दो सालों के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर मेडिकल यूज़। ऐसी कौन सी कंट्री हैं, एशियन कंट्री, पहली एशियन कंट्री जिसको, जिसने लीगलाइज किया है कैनबिस, कैनबिस को लीगलाइज किया है मेडिकल यूज़ के लिए या मेडिकल पर्पज़ के लिए या मेडिसिनल यूज़ के लिए। आपको बोलना है उस कंट्री का नाम है थाईलैंड। ये पहली एशियन कंट्री कौन है, तो ये सभी एशियन कंट्रीज़ हैं लेकिन इसमें से थाईलैंड पहली कंट्री बनी है जिसने कैनबिस को यूज़ किया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको याद रखना, थाईलैंड एशियन कंट्री है, बैंकॉक कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है दैट इज़ थाई बाट, जो है इसका करेंसी है थाईलैंड की, थाई बाट। US President Joe Biden is going to nominate whom as the scientific advisor? यूनाइटेड नेशन का जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है जो बाइडन, इसने नॉमिनेट किया है साइंटिफिक एडवाइज़र, किसको इसने नॉमिनेट किया है, आपको बोलना है उसका नाम है आरती प्रभाकर। एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये पॉइंट क्योंकि आरती प्रभाकर जो हैं ये इंडियन ऑरिजन फिजिसिस्ट है, ठीक है, जिसका नाम जो है दिया गया है, नॉमिनेट किया गया है साइंटिफिक एडवाइज़र बाई यूनाइटेड नेशन, सॉरी US प्रेजिडेंट जियो बाइडन। Which country launched its third aircraft carrier
फुजैन इन जून 2022 किस कंट्री ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? फुजैन। आपको बोलना है उस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया है चाइना ने लॉन्च किया। देखो ये फुजैन जो है ये मिलता जुलता नाम जापान के साथ है, तो बट ये जापान का नहीं है, ये चाइना ने लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फुजैन जो है ये एक प्रोविंस है जापान चाइना में, उसी प्रोविंस के बेसिस पे इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा लो, और जो नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का मैंने बोला उसको भी 5 स्टार लगा लो। Which of the following countries will participate for the first time in the NATO summit to be held in Madrid on June? किस कंट्री, ठीक है, कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी पहली बार नेटो समिट में जो कि हेल्ड होने वाला है मैड्रिड में। ये जून की न्यूज़ है, जून 2022 की न्यूज़ है। तो नेटो का समिट होने वाला है मैड्रिड में, और इसमें कौन पहली कंट्री है जो पार्टिसिपेट, फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री जो पार्टिसिपेट करने वाली है? आपको बोलना है जापान। जापान पार्टिसिपेट कर रही है नेटो समिट में, लेकिन जापान मेंबर नहीं है नेटो का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जापान जो है, ठीक है, जापान जो है ये नेटो का मेंबर नहीं है। और रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है नेटो में? आपको बोलना है स्वीडन एंड फिनलैंड ने रिसेंटली ज्वाइन किया है नेटो में। टोटल मेंबर्स कितने हैं नेटो के? आपको बोलना है 30 मेंबर्स हैं। नेटो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि नेटो जो है ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। इन जून 2022 द यूरोपियन पार्लियामेंट ग्रांटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जून 2022 में यूनियन पार्लियामेंट ने क्या किया है? एक स्टेटस दिया है, ठीक है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ को स्टेट्स दिया गया। कौन सा स्टेट्स? आपको बोलना है कैंडिडेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। वो किस कंट्री को मिला है? आपको बोलना है यूक्रेन को भी, मॉल्डोवा को भी, जॉर्जिया को भी, ऑल ऑफ द एबो को वो मिला है। मतलब तीनों कंट्रीज़ को क्या मिला है? इनको यूरोपियन यूनियन ने एक टैग दिया है जिसको, एक स्टेटस दिया है जिसको बोलते हैं कैंडिडेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ब्रेग्जिट भी रिलेट करोगे, ब्रेग्जिट, ठीक है, BREXIT, ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटिश का एग्जिट होना, ब्रिटिश का एग्जिट होना। आ रही बात समझ, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर मुझे याद आया ये पॉइंट तो याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको बोलना ब्रुसेल्स में। और दूसरा नेटो का भी हेडक्वार्टर अगर आपको पूछा जाएगा, आपको बोलना नेटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। टू वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, दो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, तो दो जो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं, एक का नाम है गिबन और दूसरे का नाम है टोंगो, इन्होंने ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ कब? जून 2022 में। तो दो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस ने ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ को, एक का नाम है टोंगो और दूसरा टोगो, दूसरे का नाम है गिबन, जिन्होंने ज्वाइन किया है। क्वेश्चन ये बनता है लास्ट में, ठीक है, लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ में वो था रवांडा, और इसने 2009 में किया है। अब 2022 में दो कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ में और ज्वाइन किया है, इंपॉर्टेंट बनता है। विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स? कौन सी स्टेट सेकंड स्टेट बनी है जिसने रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जो है, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जो है नेशनल पार्क के अंदर? आपको बोलना है जो नेशनल पार्क के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जो है वो किसने रिकॉग्नाइज किया है? आपको बोलना है छत्तीसगढ़ ने रिकॉग्नाइज किया है। सेकंड कंट्री ये बनी है, सेकंड स्टेट बनी है ये इंडिया के अंदर। इसका मतलब इससे पहले कोई स्टेट तो होगी जिसने रिकॉग्नाइज किया है CFR को, मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स इनसाइड द नेशनल पार्क। आपको बोलना है वो उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने सिमलीपाल नेशनल पार्क में क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था पहली बार। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। देखो ओलंपिक का वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, तो इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया? आपको बोलना उड़ीसा ने लॉन्च किया। दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उड़ीसा स्टेट के लिए बनता है। एक बनता है यही कि फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जो है, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जो है उस वो पहला बनता है उड़ीसा में, जो पहली स्टेट बनी थी। और पहली स्टेट इंडिया की कौन सी बनी है? उड़ीसा, रिलेटेड टू ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सब्सिडरी ऑफ अदानी हाइब्रिड एनर्जी सेट अप? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, इंडिया का पहला फर्स्ट विंड और सोलर को मिलाकर विंड और सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट को बनाया गया है। इसको कहां पर सेट अप किया गया है? आपको बोलना इसको जैसलमेर, जैसलमेर जो है ये राजस्थान में है एक जगह,
जहां पर इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। इट विल बी द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड, ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड विंड और सोलर पावर हाइब्रिड जनरेशन प्लांट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्ड मेल्स यूजिंग ड्रोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, किस स्टेट ने, ठीक है, ड्रोन्स का यूज किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, किस स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मेल्स को डिलीवर किया है बाय यूजिंग ड्रोन्स, पहली बार ड्रोन्स का यूज किया है फॉर डिलीवरिंग मेल्स, किस स्टेट ने ये किया, आपको बोलना है गुजरात स्टेट ने ये किया है। आई होप ये बात आपको समझ आ रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 5 स्टार लगा लो यहाँ पर, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन June 2022 हैज डिसाइडेड टू एबॉलिश स्टैम्प, फिजिकल स्टैम्प पेपर, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, टू एबॉलिश जो फिजिकल स्टैम्प पेपर्स हमारे पास, जो स्टैम्प पेपर्स हमारे पास होते, उन स्टैम्प पेपर्स को क्या किया गया, एबॉलिश किया, ये किस स्टेट ने डिसाइड किया है, आपको बोलना है वो पंजाब ने डिसाइड किया है। क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एबॉलिश फिजिकल स्टैम्प पेपर्स, तो आपको आंसर देना है पंजाब ने ये पहली बार डिसाइड किया है। वेयर डिड इसरो चेयरमैन सोमनाथ एस सोमनाथ इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इंडिया का पहला, देखो इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसको प्रोवाइड किया गया है बेंगलुरु में, ये याद रखना, फर्स्ट जहां पर भी आएगा ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा विजुलाइज करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पहला बनेगा इंडिया फर्स्ट प्राइवेट, पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, देखो पहला और प्राइवेट, तो याद रखना है इसको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है। वी स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू नेम द कॉलोनीज एंड रोड्स आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो क्या करने वाले हैं, वो नाम देने वाले कॉलोनीज और रोड्स को नाम देने वाले हैं B.R. अंबेडकर के नाम पे, आपको बोलना है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर सेटअप, देखो कंट्री का फर्स्ट एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर इसको सेटअप किया गया, आपको बोलना है चंडीगढ़ में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेरिटेज सेंटर, लेकिन एयर फोर्स का हेरिटेज सेंटर, लेकिन कंट्री का पहला, आपको बोलना चंडीगढ़ में। Where did President Ramnath Kovind inaugurate the Saint Kabir Academy and Research? Sorry, Saint नहीं, Sant Kabir Academy and Research Center recently. बोला जाता है President Ramnath Kovind जो है inaugurate किया है उसने, ठीक है, Sant Kabir Academy और Research Center. तो उस टाइम पे, जिस टाइम की ये न्यूज़ है, ये जून की न्यूज़ है ऑलमोस्ट, तो दैट में उस टाइम पे President Ramnath Kovind, at present Ramnath Kovind President नहीं है, एट प्रेजेंट न्यू प्रेजेंट बनाया गया है, और उस न्यू प्रेजेंट का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, अभी आप कमेंट्स में जाओगे और लिखोगे प्रेजेंट प्रेजिडेंट कौन, इसका पूरा नाम याद रखोगे और थोड़ा सा डिटेल में अगर लिखोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको बोलना है वो उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, सेंट कबीर अकेडमी, संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर जो है इसको सेटअप किया गया है। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जिसका नाम है, ठीक है, मनसुख मंदाविया इनॉग्रेट नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI, ठीक है, कहां पर यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया है, नेशनल फूड लेबोरेटरी को सेटअप किया है, आपको बोलना है बिहार में इसको सेटअप किया है, इंपॉर्टेंट बनता है नेशनल फूड लेबोरेटरी। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन June 2022 अनाउंस्ड ए बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ये काफ़ी न्यूज़ में था सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन करना, ये किस स्टेट ने डिसाइड किया, पंजाब ने डिसाइड किया, तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर पंजाब की भी बनती है कि इसने क्या किया है, एक यहाँ पर वो एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर और दूसरा जो है यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन करना, जो जितने भी ऑल टाइप्स जितने भी सभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया गया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कब से, आपको बोलना June 2022 से इसको बैन किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड कब किया गया है, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 5 जून को, उस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से क्या किया जाएगा 2022 से ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज, ठीक है, ब्लू ड्यूक एज ए स्टेट बटरफ्लाई ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। याद रखना ब्लू ड्यूक को एज ए वर्ल्ड एज ए स्टेट बटरफ्लाई जो है डिक्लेयर किया गया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, आपको बोलना है ये डिसाइड किया है सिक्किम ने। तो सिक्किम ने क्या किया है, सिक्किम ने डिसाइड किया है कि जो ब्लू ड्यूक जो है इसको एज ए स्टेट बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन जो है डिसाइड किया गया, अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है। वेयर हैज़ द प्लांट विद सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 20 MW बीन सेट अप बाय मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, एक सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया है। और ये कहां पर इसको सेटअप किया गया, आपको बोलना है इसको सेटअप किया गया है, ठीक है, मनेसार में इसको क्या किया गया, सेटअप किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट क्या है, आपको बोलना है बदला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल। देखो इंपॉर्टेंट बनता है, ट्राइबल्स के रिलेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इन न्यू दिल्ली, किसने इसको इनॉग्रेट किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, आपको बोलना है ये न्यू दिल्ली में, इसको अमित शाह ने क्या किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। उसके बाद हु इनॉग्रेटेड द क्रांति गथा, ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया क्रांति गथा को, आपको बोलना है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया है, या इनॉग्रेट आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इट इज़ ए न्यूली बिल्ट गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज इनसाइड द अंडरग्राउंड ब्रिटिश एरा बंकर एट राजभवन इन मुंबई। कहाँ पर, मुंबई में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये नया एक बिल्ट किया गया है इंडियन रेवोल्यूशनरीज के रिलेटेड, कहाँ पर आपको बोलना है, जो ब्रिटिश एरा के बंकर्स अंडरग्राउंड बंकर्स है वहाँ पर इसको सेटअप किया गया है, इसको बिल्ट किया गया है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये आज के टॉप मोस्ट 25 जो हैं करंट अफेयर जो हैं, जहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि डेफिनेटली यहाँ से आपका करंट अफेयर अगर चूज़ किया जाएगा तो ये करंट अफेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी आपका किसी दिन आपको 25, किसी दिन 30, किसी दिन 40, किसी दिन 50, डिपेंड करता है कि आपका फ्लो बनना चाहे। और इसको आप साथ साथ देखो कि इस PDF को WS Academy ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पर ये PDF अपलोडेड देखने को मिलेगा, करंट अफेयर लिखा होगा, ठीक है, करंट अफेयर फॉर JKP SI पार्ट वारी एंड अदर एग्जाम्स, अदर JKP SSB एग्जाम्स फोल्डर दिया होगा WS Academy ऐप के ऊपर, ठीक है, वो डाउनलोड करोगे वहाँ से, ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ से PDF डाउनलोड कर। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो सर यस सर हमें कंटिन्यू चाहिए, मैं कंटिन्यू बेस पे जो है आपको ये प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।